والسلام على سيدنا وشفينا أبي القاسم محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات بجنة محمد. إرشاد جناب رب العزت ہے کہ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ حکومت الہیہ کے موضوع پر ہے کہ حکومت انسان کا حق ہے یا اللہ کا، حاکم کون ہے، خدا حاکم ہے کہ ہم حاکم ہیں. اس سلسلے میں قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ حاکم ہے اور ملک اس کا ہے، اور دنیا کی تاریخ کے ابتدائی تجربے نے یہ بتایا کہ انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے انسان کو خلق کیا، اور جب اللہ نے انسان کو خلق کیا تو اس کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے، اپنا نائب بنا کے، اپنی طرف سے حکمرانی کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے نظام کائنات سنبھالنے کے واسطے بھیجا. چنانچہ حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اس دنیا کو آباد کیا. آنے کے بعد ابتدا میں ان کے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام حابیل رکھا گیا، ایک کا نام قابیل رکھا گیا. جب دونوں جوان ہوئے تو شیطان نے دونوں کو لڑوایا، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ بھائیوں کو لڑوانے والا شیطان ہوتا ہے. اندازہ لگائیے گا، بھائیوں کو لڑوانے والا شیطان ہوتا ہے. اس سلسلے میں بہتری باتیں ایسی ہیں کہ جو میرے بچوں اور نوجوانوں کو کلیئر ہونا چاہیے ہیں، اس لیے کہ جیسا میں آپ سے کل سنا رہا تھا کہ بہت سی باتیں اسرائیلیات کے نام سے اسلام میں داخل ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کی کتابوں میں بھی لکھ دی گئی ہیں اور مسلمان مولویوں نے بھی کہہ دی ہیں، لیکن اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ سب وہی مولوی ہیں اور وہی کتابیں ہیں اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے دامن اہل بیت چھوڑ دیا ہے اور تحصیل علم کے لیے کبھی در علم پر نہیں آئے. تو جب جہاں بٹ رہا تھا وہاں نہیں آئے، تو دوسرے سورسز سے انہوں نے لیا ہے، تو وہ سورسز جنہوں نے جیسا دیا ویسا انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا.
वो सोर्सेज जो थे, वो ज़राए जो थे, वो गलत थे, गुमराह कुन थे, झूठे थे। चुनाचे इस सिलसिले में एक चीज़ जो बहुत ही वाज़े होना चाहिए वो ये है कि एक चीज़ ये भी मशहूर है कि आदम के यहाँ जब औलाद होती थी तो जुड़वां होती थी, और एक बेटा होता था, एक बेटी होती थी, और उससे शादी होती थी आगे बढ़ के बड़े होके, और उससे नस्लें इंसानी चली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जाहिल मौलवियों ने सारे खल्के खुदा को गाली दी। और अब ये झूठी हदीसें या देखिए झूठा माल जब जौहरी के पास जाता है तो बताता है ये नकली है, हीरा कहके बेच लिया उसने शीशा। अब जब ज्वेलर के पास गया उसने देखा, उसने कहा शीशा है फेंको इसको, हीरा थोड़ी है। तो उसी तरीके से झूठी रवायतें जब इमामत के सामने आती हैं तो पता लगता है कि सही क्या है गलत क्या है। चुनाचे तारीफ बताती है कि ये रवायत जब हमारे छठे इमाम की खिदमत में पेश हुई तो उस वक्त की शान जो लिखी है किताबों में ये है कि हजरत तकिए के सहारे तशरीफ फरमा थे, तकिया लगाए हुए, और असाब बैठे थे और गुफ्तगू हो रही थी तो किसी शख्स ने कहा कि लोग तो ऐसा कहते हैं, तो चेहरे अकदस के ऊपर गजब के आसार नमूदार हुए और तकिया लगाए बैठे थे उठ के बैठ गए और फरमाया कि क्या तुम अल्लाह से इस बेहयाई की तवक्को रखते हो कि भाई बहन में शादी करवाएगा। अजब जुमला फरमाया, फरमाया क्या तुम अल्लाह से इस बेहयाई की तवक्को रखते हो कि भाई बहन में शादी करवाए। जिस तरह अल्लाह ने आदम के लिए हव्वा का इंतजाम किया उसी तरीके से अल्लाह ने इंतजाम फरमाया जिससे नस्ल इंसानी चली। तो एक मसला तो ये सामने रखना चाहिए इसलिए कि अक्सर और बेशतर ये लोग मशहूर कर दिया था। तो दो बेटे थे, एक हाबील एक काबील, और शैतान ने आन के उनसे ये कहा कि ये सोचो कि तुम दोनों में अल्लाह के नज़दीक प्यारा कौन है, तुम दोनों में अल्लाह के नज़दीक प्यारा कौन है, तुम ज़्यादा प्यारे हो अल्लाह को कि ये ज़्यादा प्यारा है। तो उनका हमें क्या मालूम, ये अल्लाह जाने कि हम दोनों में ज़्यादा प्यारा कौन है। कह लगे नहीं, हम तुम्हें तरकीब बताते, तुम खुद मालूम हो जाएगा तुम्हें। अल्लाह की बारगाह में नजर रखो, जिसकी कबूल हो जाए वो प्यारा है, जिसकी नहीं कबूल हो वो नहीं प्यारा है। उस जमाने में रवाज ये था कि पहाड़ पर जाके जो नजर रखना थी रख दी जाती थी, अगर बिजली उस पर गिरी और वो जल गई नजर तो कबूल हो गई, और अगर सवेरे वैसी रखी हुई मिली तो नहीं कबूल हुई। तो हाबील ने कुछ दुम्बियां रखी नजर में, काबील ने कुछ अनाज गेहूं की बालियां ये सब रखी नजर में। रात को बिजली ने गिर के उसकी दुम्बियां जला दी, अनाज रखा रह गया, तो काबील को गुस्सा आया। देखिए वाकया तो किताब में भी लिखा है और कुरान पाक में भी है, लेकिन असल में यह है कि हम एक तो वाकये को जल्दी से पढ़ लें और एक ये है कि उससे हम कोई नतीजा निकालने की कोशिश करें। तो बुनियादी बात यह है कि हम उस वाकये से नतीजा निकालें कि यह है क्या। दुनिया में जितने वाकयात होते हैं उसके अंदर जालिम को छिपने के लिए कोई सहारा होता है,
ये जायदाद के चक्कर में मामला हो गया, ये सियासी कत्ल हो गया, ये इलेक्शन के मामले में हो गया, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, बादशाह की मुखालिफत थी, उन्होंने करवा दिया। ये हाबील काबील का किस्सा जिस ज़माने में है, उस ज़माने में न सियासत थी, न हुकूमत थी, न जायदाद थी, न प्रॉपर्टी थी, कुछ था ही नहीं। अच्छा, लोग कहते साहब लड़का अच्छा था, सोहबत खराब हो गई, गलत लड़कों के साथ बैठ गया, इसलिए बिगड़ गया, सोसाइटी बिगड़ गई। वहाँ सोसाइटी भी नहीं थी, एक ही घर था टोटल, सोसाइटी कहाँ थी। और घर भी दुनिया में कुल एक ही घर था, हजरत आदम का घर जो नबी थे, और उसी में ये वाकया हुआ है। तो इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि शैतान की पहुंच कहां तक है, पैगंबरों के घरों के अंदर तक जाता है। तो अगर हम पैगंबर के बेटे की मुरव्वत नहीं करते किरदार की बुनियाद के ऊपर, तो और किसी की मुरव्वत क्या करेंगे किरदार की बुनियाद। कहा कि अब आया शैतान इसके पास, क्या देखा तुम प्यारे नहीं हो, वो प्यारा है। इसको आया गुस्सा, इसको काबिल को गुस्सा आया, इसने गुस्से में अपने भाई को मार डाला काबिल को। उस जमाने में असलहा भी नहीं था, उस जमाने में कोई तलवार तीर लोहा इंसान इस्तेमाल में नहीं था। तारीख में यह है कि लोहे के हथियार भी नहीं थे उस जमाने, पत्थर के, ओल्ड स्टोन एज से भी पहले का किस्सा है। तो पत्थर लेके उसके सर पर दे मार, वो मर गया। लेकिन इससे एक नुक्ता समझिए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि गुस्सा उसको असल में आया था खुदा पर, जिसने कुर्बानी कबूल नहीं की थी। खुदा पर आया गुस्सा, अगर खुदा मिल जाता उसको तो ये पत्थर उसी को मारता, लेकिन खुदा इसको मिला नहीं, तो इसने अल्लाह के प्यारे पर जो अल्लाह वाला था उसका गुस्सा उतारा था। मालूम है रोज़े अव्वल ये मामला तय हो गया कि गुस्सा किसी पर आता है, उतरता किसी पर है। अब अगर समझ लीजिए बात को कि लोगों को गुस्सा आया था अल्लाह पर, समझ लीजिए मामले, ये पहले दिन तय हुआ है जब कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी, कोई नहीं था कि उनका कि अमेरिका ने ये हरकत करवा दी है या बरतानिया ने करवा दी है या इसराइल का हाथ इसके अंदर है, कुछ ये सब चक्कर कुछ नहीं था उस जमाने में।
ना अमेरिका का वजूद था, ना बरतानिया, ना इसराइल, ना आरएसएस, कुछ था ही नहीं उस जमाने में जब हजरत आदम का जमाना था, समझे आप, बिल्कुल शुरू, ना बनी उमैया, ना बनी अब्बास, कोई मामला नहीं था। लेकिन जब कत्ल का वाकया दुनिया में रूनुमा हुआ तो इससे नतीजा ये निकला कि गुस्सा किसी पर होता है, उतरता किसी पर है। अब यही मसला है कि असल में गुस्सा आया अल्लाह पर। जब अल्लाह पर गुस्सा नहीं उतार सके तो मोहम्मद से लड़ने आए, इसलिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे। जब उन पर गुस्सा नहीं उतार पाए तो अली से लड़े, जब अली का गुस्सा नहीं उतार पाए तो हुसैन से लड़े, और जब हुसैन को न मिटा पाए तो आज तक हमसे झगड़ा हो रहा है। सलावात भेजते हैं मोहम्मद। ये मुहर्रम वदादारी पर जो गुस्से हैं लोगों के, ये हमसे ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये गुस्से अल्लाह पर है जो हमसे उतारे जा रहे हैं। आज आप कह दिया कि हमने सब छोड़ दिया, आज ही गले लगा लेंगे लोग आपको कि आप हमारे भाई हैं, आपसे क्या, तो अगर हमारी जात से झगड़ा होता तो हम कुछ करें झगड़ा रहता। झगड़ा जात से नहीं है, झगड़ा मुहर्रम से है, और मुहर्रम का गुस्सा जो है वो अल्लाह पर आया हुआ है। इसलिए अब हाबील को काबील ने मारा। अब अक्सर लोग एक सवाल करते हैं बहुत दिलचस्प, कि साहब हम लोग हाबील की नस्ल से हैं क्या काबील की, तो इसका सही जवाब तो ये है, जो असली जवाब है इसका वो ये है कि हम लोग ना हाबील की नस्ल से हैं ना काबील की नस्ल से हैं, इन दोनों की औलाद नहीं हुई थी लिहाजा इनकी नस्ल नहीं चली। अल्लाह ने हजरत आदम को और औलादें अता की थी, उनसे इंसानी नस्ल चली, तो हम लोग आदम के और बेटों की नस्ल से हैं, हाबील काबील की नस्ल से नहीं है। ये तो इसका सही जवाब है। लेकिन अगर यही जिद है कि नहीं साहब इन्हीं में से किसकी औलाद है, तो उसका भी जवाब हमारे पास है। जो शहीदों का हर साथ दे वो हाबील की औलाद, जो कातिलों का साथ दे वो काबील की औलाद। सलावात भेजते हैं मोहम्मद। तो ये जनाब हाबील और काबील का मसला है कि एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और सिलसिला वहां से चला, तो तारीख बताती है कि जब हजरत आदम को यह मालूम हुआ तो उनके एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया है, तो समझदार बाप वही है कि जिसको जो देना लेना है अपनी जिंदगी में फैसला कर दे, ताकि बाद में झगड़ा ना उठे कि ये मेरा है ये तेरा है। भाई जो जिसका हिस्सा है उसको बता देगी, ये तुम्हारा हिस्सा है ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम ये ले लेना तुम वो ले लेना। तो आदम ने भी अपनी जिंदगी में दोनों को हिस्सा दे दिया। तारीफ बताती है जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरा बेटा कत्ल हो गया तो उसकी कब्र पर गए हाबील की, और कब्र पर बैठ के रोए। इसका मतलब यह है कि शहीद पर होना सुन्नत आदम है, शहीद पर होना सुन्नत आदम है। अब जो शहीद पर होने से एतराज करे, इसका मतलब वो अपने दादा की सीरत से हट गया है, आदमी नहीं है। शहीद की कब्र में बैठ के रोए, बेटे को रोए, और जब कब्र से उठने लगे तो कातिल बेटे पर लानत करते हुए उठे, काबिल पर लानत की उन्होंने। चलिए समझदार बाप ने अपनी जिंदगी में हिस्सा बांट दिया,
कि शहीद के हिस्से में आंसू आएंगे, कातिल के हिस्से में लानत आएगी। तो हो गया मसला, तय हो गया। अल्लाह के पहले नबी भी थे, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ भी थे, इन्होंने दुनिया में आके इंसानियत की इब्तिदा की और मजहब को शुरू किया। कौन सी किताब थी इनके पास, कौन सी शरीयत थी इनके पास, ये कुछ नहीं मालूम। और मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत के इब्तदाई दिनों में किताब और शरीयत की ज़रूरत भी नहीं थी, तरबियत आदम ही काफ़ी थी। जैसे बच्चे को बिल्कुल इब्तदा में किताब नहीं पढ़ाई जाती बल्कि तरबियत किया जाता है, उसी तरीके से आदम भी इंसान की तरबियत के लिए आए थे। अभी इंसान उस स्टेज पर नहीं आया था कि उसके सामने किताब रखी जाए। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, अक्सर व बेशतर लड़के ये भी सवाल करते हैं कि जब दीन अल्लाह ने भेजा और शरीयत अल्लाह ने भेजी तो बदली क्यों, शरीयतें बदलती क्यों रही? कि नूह की शरीयत और थी और इब्राहिम की शरीयत और थी और मूसा की शरीयत और थी और ईसा की और थी और आज और है, ये क्या चक्कर? अल्लाह तो सब जानता था, उसको सब नॉलेज थी, वो तो आलिमुल ग़ैब है, उन्हें शरीयत क्यों बदली? तो देखिए ये भी मसला बिल्कुल सीधा है, अल्लाह नहीं बदला, ना अल्लाह ने कुछ बदला, हम बदले। अक्सर ये होता है कि रेल के ऊपर चलते हुए ये दिखाई देता है कि दरख्त चल रहे हैं, इमारतें चल रही हैं, इमारतें अपनी जगह हैं, दरख्त अपनी जगह हैं, वो ट्रेन मूव कर रही है तो मालूम होता है कि वो चल रहा है, जबकि हम चल रहे हैं वो नहीं चल रहा है। यही मामला यहाँ भी है, हम बदल रहे थे, हम समझे अल्लाह बदल रहा है। अब सुनिए, यह हर घर का तजुर्बा है, ये किताब हर घर में है, जो है मैं जिन किताबों से पढ़ता हूँ वो किताबें हर घर में। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो इब्तदाई चंद महीनों में उसकी ग़िज़ा और होती है, उसके बाद जब वो चंद महीने का हो जाता है तो ग़िज़ा और होती है, जब वो साल सवा बरस का हो जाता है तो ग़िज़ा और होती है, जब वो दो ढाई बरस का होता है तो ग़िज़ा और होती है। इस तरीके से होते होते आखिर में एक स्टेज वो आती है कि जो हम खाते हैं वही वो खाता है, समझे आप, वही सब खाने लगता है, लेकिन शुरू में नहीं। जो बच्चे डिब्बे का दूध पीते हैं उसके ऊपर भी नंबर पड़े होते हैं कि अगर वो तीन महीने के अंदर है तो ये डिब्बा पिलाया जाएगा, और जब तीन महीने से ऊपर गया तो ये पिलाया जाएगा, और जब साल भर का हो गया तो ये पिलाया जाएगा। तो उसकी ताकत में फ़र्क होता रहता है, लिहाजा उस पर नंबर डाल दिए जाते हैं। तो डेढ़ बरस के बच्चे वाला दूध तीन महीने के बच्चे को नहीं दिया जाता। तो आप कहिए साहब आप तो समझदार हैं, एक गज़ा दीजिए, हम थोड़ी खा रहे हैं, बच्चा खा रहा है, लिहाजा जैसे जैसे वो डेवलप होता जाता है वैसे वैसे उसकी गज़ा बदलती जाती है, जब मुकम्मल हो जाता है तो एक ही गज़ा पर सेट हो जाता है। वह यही मसला दीन का है कि जैसे जैसे इंसानियत डेवलप हो रही थी शरीयत बदल रही थी, जब इंसानियत एक स्टेज पर जाके सेट हो गई तो शरीयत मोहम्मद ने आगे कहा क़यामत तक यही रहेगी, बदलेगी नहीं। सलावात भेजते हैं गिरामी। ये जनाब आदम थे जो अल्लाह की तरफ से इंसानों को समझाने बताने, नस्ल इंसानी आगे बढ़ाने, दीन खुदा आगे बढ़ाने तशरीफ लाए थे, और इस दुनिया में उन्होंने इंसानियत की भी दागबेल डाली, मजहब की भी इब्तिदा की, सब काम उन्होंने किए। और उसके बाद और पैगंबर आते रहे,
इंसानियत डेवलप होती रही, मज़हब का पैगाम पहुंचता रहा, आबादी बढ़ती रही, यहाँ तक कि दुनिया की आबादी में काफ़ी इजाफा हो गया। जब अल्लाह का एक उलाज़म पैगंबर जनाब नूह के नाम तशरीफ लाए, ये पांच बड़े पैगंबरों में से एक थे, साहिब किताब थे, साहिब शरीयत थे, बड़ा रुतबा था इनका अल्लाह की बारगाह में। इनके ज़माने में इंसानियत काफ़ी बढ़ चुकी थी, समाज में दौलतमंदी पैदा हो गई थी, और माल और दौलत रखने का क्रेज पैदा हो गया, इख्तदार का क्रेज पैदा हो गया था लोगों में। जब और दूसरी तरफ बुतपरस्ती भी शुरू हो गई, जब हजरत नूह तशरीफ लाए तो आपने आन के लोगों को कुफर से रोका, बुत परस्ती से मना किया, अल्लाह वाहिद की तरफ दावत दी। थोड़े से गरीब लोगों ने आपके दीन को कबूल किया, दौलतमंद तबके ने आपके दीन का इनकार किया। अगर आप कुरान पढ़िएगा, पूरा कुरान स्टडी कीजिए डीप, तो आपको ये नज़र आएगा कि अक्सर व बेशतर पैगंबरों के जिक्र के साथ साथ ये मिलता है कि दौलतमंद तबके ने, मालदार तबके ने, बरसर इख्तदार तबके ने, रूलर तबके ने, बादशाहों ने पैगंबरों की मुखालिफतें की। और वीकर सेक्शन, कमज़ोर लोग, गरीब लोग, गुलाम, परेशान, मुफलिस ईमान लाए, ईमान लाए, दौलत और ताकत अपना कानून खुद बनाती है। देखिए गौर कीजिएगा, दौलत और ताकत अपना कानून खुद बनाती है, वो के कानून की पाबंदी करना अपनी इंसल्ट समझते हैं, वो किसी के कानून की पैरवी करना अपनी तौहीन समझते हैं, उनको कानून शिकनी में मजा आता है। बहुत बड़ा आदमी है, उनका यहां से हटाओ गाड़ी, यहां नहीं पार्क होगी, उनका हमारी गाड़ी नहीं पार्क होगी, यहीं बात करो, देखे कौन बोलता है। गरीब आदमी कभी यह नहीं करेगा, पावरफुल आदमी जो है वो करेगा। मजहब जो है, हुकूमत इलाही जो है, वो सबको एक नज़र से देखती है, इसलिए कि सब बंदे हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा। अब फलसफा समझिए क्या है, अल्लाह के यहाँ जब बुलाए जाते हैं कोई फर्क नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं नमाज में पांच वक्त, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि सेठ जो है वो पहली सफ में खड़े होंगे। या बादशाह वाले तबका जो है वो पहली सफ में खड़ा होगा, अगर खानदान बादशाहों का है तो रॉयल फैमिली के लिए पहली सफ रिजर्व है, ना रॉयल फैमिली के लिए रिजर्व है और ना गुलाम ना बहन है। जो पहले आएगा उसको पहले जगह में मिले, जब पहली सब फुल हो जाएगी दूसरी सब में लोग बैठे। मगर तो जब जमात की नमाज होती है तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं होता कि कौन कहां पकड़ा होगा, और ना कोई फर्क अलाउ है आज तक। इसी तरह रमजान मुबारक आता है, रमजान मुबारक में रोजा सप्पा वाजिब है, कुछ कंडीशंस हैं सेहत तंदुरुस्ती ये वो सब, मुसाफिर ना हो, जो उन कंडीशंस के बाद रोज़ा सब पर वाजिब है, बादशाह भी रखे फकीर भी रखे, आका भी रखे गुलाम भी रखे।
फिर हज में बुलाया जाता है। तो दुनिया में लिबासों के जरिए लोग पहचाने जाते हैं, मिलिट्री के लिबास और होते हैं, पुलिस की वर्दियां और होती हैं, वकीलों का एक खास लिबास होता है जिससे देख के अंदाजा लग जाता है कि ये वकील है, डॉक्टरों का एक खास लिबास होता है जिससे देख के अंदाजा लग जाता है डॉक्टर है, आलिमों का एक खास लिबास होता है जिससे अंदाजा लग जाता है ये आलिम दीन है, होता है कि नहीं होता है? एक यहाँ पर एक डॉक्टर बैठा है, एक वकील बैठा है, मौलाना बैठा है, एक पुलिस अफसर बैठा है, एक आर्मी का जनरल बैठा है, समझदार आदमी देख के बता देगा कौन क्या है, इसलिए कि लिबासों से। अल्लाह ने जब हज में बुलाया सबके लिबास कोई हो तुम, न यहाँ कोई ताज पहन के आएगा, न कुलाह लगा के आएगा, न मामा बांध के आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सब कफन से मिलता जुलता लिबास पहन के आओ, एक चादर ओढ़े हुए, एक चादर बांधे हुए, बस खत्म किस्सा। अब आप बादशाह हैं तो हुआ कीजिए, आप मौलाना हैं तो हुआ कीजिए, आप डॉक्टर साहब हैं तो हुआ कीजिए, आप वकील साहब, अब आर्मी के जनरल हैं हो जी अपने मुल्क में होइएगा, यहाँ नहीं, यहाँ वही कफन से मिलता जुलता लिबास, मुंडा हुआ चिकना सर, बेहतरीन, एक ही तरह के सब, समझे? और इसी तरह जब फाइनल बुलाया तो वहां भी ये अलाउ नहीं है कि भाई बड़े आदमी हो, ये कब्र में ऐसा कालीन बिछा देना, मस्तन दस्तन लगा देना, तकिया रख देना, इतना बड़ा आदमी है, और गरीब आदमी सब में जैसे जा, वही कच्ची मिट्टी की कब्र है, वही रुखसार के नीचे मिट्टी का ढेला है, वही वही मंजर है बिल्कुल, चाहे बादशाह हो चाहे फकीर हो। मालूम है कि अल्लाह के यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक ही तरह सब बुलाए जाते हैं। वह हमने अपनी जिंदगी में दो ही जगह ये मंजर देखा, या अल्लाह की सरकार में देखा या मजलिस हुसैन में देखा। इसी हाल के अंदर नमाज होती है और इसी हाल में मजलिस भी होती है। नमाज में कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि कौन कहाँ बैठेगा, मजलिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि कौन कहाँ बैठेगा, जिसको जहां जगह मिल जाएगी, जिसको जहां मौका मिल जाएगा वहां बैठे। तो अल्लाह के यहां फर्क नहीं है, सब एक बराबर, इक्वलिटी, इंसाफ, अदल। हुकूमत इलाही डिपेंड करती है पर। दुनिया का इख्तदार जो है वो अपनी बर्तरी और अपनी बड़ाई और अपनी ऊंचाई साबित करने की कोशिश करता है। नतीजा ये है कि जब नबी आए और जब अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव आए इस दुनिया में, तो उनकी मुखालिफ मालदार तबके ने की, उनकी बादशाहों ने की। फिरौन बादशाह था, नमरूद बादशाह था, ईसा का मुकाबला मालदार यहूदियों ने किया, समूद के जमाने में मालदार कौमें जो थीं उस जमाने में लोग वो मुखालिफत कर रहे थे, इनके पास पावर थे, इनके पास इख्तदार थे। यही मसला जनाब नूह के साथ हुआ कि उनकी कौम के सरदार, उनकी कौम के बड़े बड़े लोग हजरत नूह की मुखालिफत कर रहे थे। एक मुद्दत तक नूह तबलीग करते, कहते हैं 950 बरस तबलीग की, 950 बरस, इतनी लंबी उम्र भाई, लंबी तबलीग, 950 साल अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। लेकिन वो लोग भी इतने कट्टर थे और इतने मूजी थे
कि 950 बरस में भी मुट्ठी व लोग मुसलमान हुए, बकिया जो थे वो काफिर के काफिर ही रहे। नूह एक अजीम नबी हैं, पांच बड़े पैगंबरों में से एक हैं, उलुल अज़्म। कुरान में उनके नाम का सूरा मौजूद है, उनका तस्किरा बार बार कुरान पाक के अंदर है। 950 साल उन्होंने तबलीग की। हमारे जैसे लोग उनकी नालायन की खाक कब्र की बराबरी भी नहीं कर सकते। उनके मुबारक पैरों में जो नालायन थी उससे जो मिट्टी मस हो जाए, हम इस काबिल भी नहीं। इस पाए के थे 950 बरस तबलीग की, और तबलीग का नतीजा क्या निकला? एक किश्ती भर लोग। अज़ीज़ाने गिरामी, वाकया आप सबको मालूम है, मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि ये वाकया नहीं मालूम था, लिहाजा आज आप सुन लीजिए। ये वाकया जो मैंने अभी पढ़ा और ये जुमला कहा, कोई शायद छोटे बच्चों के अलावा कोई ऐसा ना हो जो कहे कि हमने पहली दफा सुना है। आपको मालूम है कि नूह ने 950 बरस तबलीग की और उसके बाद एक किश्ती भर लोग निकले। मैं जिसलिए ये वाकया सुना रहा हूं वो ये कि तबलीग वो मुश्किल काम है कि नूह जैसा नबी 950 बरस की मेहनत के बाद ये रिजल्ट देता है और अल्लाह उसको एक्सेप्ट करता है कि वो कामयाब है। इसका मतलब यह है कि तबलीग कोई नर्म खाना नहीं है कि जल्दी जल्दी खा लिया। लोहे के चने चबा लेना आसान है लेकिन तबलीग करना मुश्किल है। अब जो लोग कहते हैं हर साल मुहर्रम आता है और चला जाता है, फिर कौम वहीं की वहीं, हर साल मुहर्रम आता है और चला जाता है और तबलीग होती है और फिर कौम वहीं की वहीं। अरे आप 950 बरस के हैं, किसी ने 25 मुहर्रम देखे हैं, किसी ने 20 मुहर्रम देखे हैं, किसी ने 30 मुहर्रम देखे हैं, किसी ने 40 मुहर्रम देखे हैं, तो आप 30-40 मुहर्रम देख के कह रहे हैं हर साल मुहर्रम आता है, वहाँ 950 साल मुसलसल तबलीग करके एक किश्ती भर लोग मिलते हैं, तो कम अज़ कम हुसैन की आज़ादारी नूह की तबलीग से ज़्यादा परसेंटेज दे रही है। सलावात भेजते हैं मोहम्मद। किश्ती बनाओ हमारे सामने, बनाओ हमारी वही के जरिए, बनाओ किश्ती बनाने में कहेगी वही, किश्ती बनाने में कहेगी वही किश्तियां सैकड़ों बन चुकी होंगी, उसके पहले भी समंदर मौजूद थे और खरबों अरबों बनी होंगी उसके बाद भी, तो किश्ती बनाना क्या मामला है सर? महबूब वही के जरिए क्यों बनेगी? कोई खास किश्ती है स्पेशल? कहा नहीं भाई, ये वो किश्ती नहीं है, किश्ती है नजात है। इसकी सिफत यह है कि ये डूबती नहीं है, जो इसमें आ जाता है उसे नजात मिलती है। तो नूह अगर लकड़ी के टुकड़ों की किश्ती बनाए तो वही से बनाए, और रसूल दिल के टुकड़ों की किश्ती बनाए तो खुद ही बना ले।
जी किश्ती बन के तैयार हुई, लोग किश्ती में आए, एक नूह का बेटा नहीं आया, एक बेटा और आए बेटे, एक नहीं आया, तो आवाज भी दी या बुनैयर कम आना वाला था कम माल काफिरीन, बेटा हमारे साथ आ जा, काफिरों में से ना करार पा, मालूम जो नूह की किश्ती को छोड़ दे वो काफिर होता है, तो अहले बैत की किश्ती को छोड़ने वाले मोमिन कहां से हो जाए। उन्होंने कहा साहबी इला जबल आसमानी में नलमा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, ये मुझे पानी से बचा लेगा। मालूम किश्ती चढ़ने वाला छोड़ने वाला पहाड़ पर भागता है, मैं बचता नहीं डूबता है। किश्ती में मोमिनीन बैठे रहे, किश्ती चलती रही, यहां तक कि जब सारे काफिर गर्क हो गए तो हुकुमा के जमीन अपना पानी निकल ले, सब किश्ती खुश्की पर ठहरी, धोई धुलाई दुनिया पर नूह उतरे। अज़ीज़ाने गिरामी, रसूलुल्लाह ने अपने बात के लिए किश्ती बनाई, सारे आलम इस्लाम ने इस हदीस का इकरार किया, हदीस सफीना जिसका नाम मसल अहले बैत के मसले सफीनत नूह, मन रकबहा नजा वमन तखल्लफा अन्हा गरका वहवा, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की किश्ती की है, जो इसके दामन से मुतमस्सिक हो गया नजात पा गया, जिसने छोड़ दिया वो हलाक हो गया डूब गया। और इसी हदीस की याद मौला अली ने नहजुल बलागा में दिलाई, खुतबा मुलाहिदा फरमाइए, अय्युहन नास शक्कु अमवाजल फितन बिसुफन मिन नजात, हे इंसानों फितने की मौजों को पार कर जाओ नजात के सफीने से वाबस्ता होके। खुदा की कसम हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सिर्फ किताबें पढ़ने की देर, सब कुछ कह दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया। तो जब नूह किश्ती लेके निकले तो काफिर डूबे, मुशरिक डूबे, मकान डूबे, दरख्त डूबे, पहाड़ डूबे, ऊंची से ऊंची शह डूबी, बड़े से बड़ा आदमी डूबा, नहीं डूबी तो किश्ती नहीं डूबी। अज़ीज़ाने गिरामी, रसूल भी किसी दिन के लिए किश्ती बना के गए, रसूल भी किसी दिन के लिए किश्ती बना के गए। जब इस्लाम में जुल्म सितम का सैलाब बढ़ा और मुलुकियत का तूफान आया और इख्तदार की बारिश शुरू हुई और लोगों ने डूबना शुरू किया, तो एक कश्ती 28वीं रजब को मदीने से चली, 28वीं रजब को एक किश्ती मदीने से चली, जो जो इस किश्ती से मुतमस्सिक होता गया वो बचता गया, बकिया लोग डूबते गए, हाजी डूबे, हाफिज डूबे, कारी डूबे, सहाबी डूबे, आलिम डूबे, रावी डूबे, बादशाह डूबे, मालदार डूबे, गुलाम डूबे, हर शय डूबती चली गई, नहीं डूबी तो इमामत नहीं डूबी, या जो उनसे वाबस्ता थे वो नहीं। सलावात भेजने कश्ती नजात थी कि जो लेके चली, कौन सी शय थी जो बच गई? आप मुझे इंसाफ से बताइए कि कौन सी शय थी जो बच गई? जब यजीदियत ने सर उठाया तो हर एक तो बिक गया,
हर एक तो बिक गया, दौलत के आगे हर एक ने तो यजीद की बयात कर ली। आदमी नहीं, मुल्क के मुल्क, मिस्र, शाम, इराक, हिजाज, अफ्रीका, मुल्क के मुल्क, जब ने तो यजीद की बयात कर ली। और 50 बरस के अंदर अंदर वो इस्लाम जो आजादी का मुजदा लेके आया था, वो इस्लाम आप सुनिए तो सही, बयात के अल्फाज तो सुनिए। बयात 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 बच्चे सुना करते हैं, आप अल्फाज तो सुनिए क्या थे। बयात यजीद कहे बली जा रही थी कि हमारा लीडर है, हमारा खलीफा है, इसको भूल जाइए आप। इसलिए कि ये तारीख के वो बारीक नुक्ते हैं जो आमतौर से मजलिसों में भी नहीं पढ़े जाते, न जाने क्यों। अब लफ्ज़े ढूंढिए तारीख के अंदर, आपको मिल जाएंगे, ढूंढना पड़ता है, खाली पढ़ना पड़ता है, तो बस सब मिल जाता है। कुछ ऐसा नहीं जो छिपा हुआ है, सब माल, खाली तलाश की बात होती है। बचपन से सुनते आ रहा है हर शिया लड़का बयात, उसे कहिए 5 मिनट बयात पर तकरीर करो, पसीने में नहा जाएगा, 5 मिनट नहीं पूरे कर पाएगा। यजीद की बयात किस शान से हो रही थी, ये सुना आप। ये नहीं था कि हमारा खलीफा है हम बैत करते हैं, या हमारा लीडर है कायद है हम बैत करते हैं, ना। यजीद हमारा आका है, चाहे हमको अपना गुलाम रखे चाहे आजाद कर दे, हम बैत करते हैं। ये वर्डिंग थी। अब सोचिए जिन्होंने अपना ईमान बेच के यजीद के हाथ पर बैत, वो मिल्लत जिसको मोहम्मद आजाद करके गए थे यजीद के हाथ पर फिर बोला। क्या नबी का नवासा बातिल की गुलामी का तौक अपने गले में डाल लेता 4 दिन की जिंदगी के लिए। हुसैन ने आजादों की लाज रख ली, 72 ने आजादी की शमा जलाई हुसैन की क्यादत में। आज यजीद नफरत और मलामत की अलामत बन गया। मेरे दोस्तों, ये किश्ती नूह थी और ये किश्ती अहले बैत। मुलुकियत ने सबको खरीद लिया था पैसे के जोर, और जिसको पैसे मिल रहे हैं, दौलत मिल रही है, और फिर हमने तारीख के अंदर ये मंजर भी देखे हैं, खुदा की कसम कलेजे जैसे कलेजा फूकता है बाज मामलात में तारीख पढ़ के, वैसे कलेजे में ठंडक भी पहुंचती कि हम जालिमों के अंजाम देखते हैं तो कलेजे में ठंडक पहुंचती है कि जब हुसैन तो शहीद हो गए और इज्जत व अजमत का और शहादत का ताज उनके सर पर जलवा फगन हो गया, लेकिन वो लोग जो मदीने में तस्बीहां पढ़ते बैठे थे, बड़े मुकद्दस, बड़े अल्लाह वाले,
बड़े अल्लाह अल्लाह रसूल रसूल करने वाले जब हुसैन जा रहे थे तो ये अपनी डाढ़ियां हिला हिला के कह रहे थे कि हुसैन फितने में पड़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ते। हुसैन फितने में पड़ रहे हैं, हम भैया अलग मस्जिद में कौन है। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह अल्लाह नहीं था, ये बुजदिली छिपाने की बात थी। ये अल्लाह अल्लाह के पर्दे में अपनी बुजदिली छिपा रहे थे, अपनी दो रोटियों को नहीं छोड़ना चाहते। ये अल्लाह अल्लाह इनकी सिपर था बस, असलियत में माल कुछ और था। जब हुसैन शहीद हो गए और मदीने वालों ने बेयत यजीद तोड़ी तो यजीद का लश्कर आया और उसने मदीने को ताराज किया। फिर यही सब के सब बेयत करने पहुंचे। पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, जो कुछ कह रहा हूं अगर न निकले तो मुझसे पूछिएगा, अगर पढ़ के आइए। जब ताराज हो गया मदीना, जब इज्जत आबरू नीलाम हो गई, जब मस्जिद नबी अस्तबल बन चुकी यजीद के घोड़ों का, तो थकार के ये बयत करने पहुंचे। मुस्लिम में इब्ने अकबा नाम था उस सरदार का जो यजीद की तरफ से मदीना ताराज कर रहा था। जो ये सूरतें देखी, कहा क्यों आए हो? कहा हाथ फैलाओ, हम यजीद की बयत करने आए हैं। तो आप जानते हैं उसने क्या किया? वो कुर्सी बैठा हुआ था, उसने हाथ नहीं बढ़ाया अपना, ना पैर बढ़ाया अपना। कहा तुम लोग इस काबिल नहीं रहेगा कि हाथ में बयत करो, गद्दारो, तुम इस काबिल नहीं हो कि हाथ में बयत करो। तुम्हें बयत करना है तो मेरे पैर पर बयत करो यजीद। यह है तकदीर के अंदर लिखा हुआ। कहां वो अजमत शहादत जो हुसैन को मिली, कहां वो रुसवाई जो दुश्मनान ने हुसैन के हिस्से मिली? कहा मेरे पैर पर बयत करो, ये कह के उसने अपना पैर बयत। ये जानते थे कि अगर पैर पर बयत नहीं करेंगे तो गर्दन पर तलवार पड़ेगी। इन्हें मुस्लिम अपने अकबा के पैरों को बयत की है। यजीदाने गिरामी, दामने अहले बैत छोड़ने का नतीजा हमने हर कदम पर देखा है तारीख। और वो इज्जत और वो वकार और वो शान जो 72 के हिस्से में आई, हमारी जाने निसार हो जाए उन पर, आज तक उनका तस्किरा बाकी है, उनका नाम बाकी है, उनका काम बाकी है, उनकी वाह वाह हो रही है, उन पर दुरूद व सलाम हो रहे हैं, इसलिए कि वो हुसैन के दामन से लिपटे रहे। और अज़ीज़ाने गिरामी ये भी सुन लीजिए कि दुनिया में वो 72 बेमिसाल हैं जो हुसैन के साथ शहीद हुए, लेकिन इन 72 ने हुसैन को हुसैन नहीं बनाया। हाँ, अजमत हुसैन समझिएगा, हुसैन की वजह से ये बने, हुसैन की वजह से ये 72 काबिले ताजीम बने, इनकी वजह से हुसैन नहीं बने। आशूर की रात शमा बुझा के कह दिया था, जिसका जहां दिल चाहे चले जाओ, जो चला जाता फिर वो अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाता। आज तक जो सितारा बन के चमक रहा है वो आफ्ताब के दामन से लिपटने की वजह है। हुसैन को नहीं गरज थी, हुसैन अपने मिशन के लिए अकेले काफी थे। इमाम नवासे रसूल, सवारे दोषे रसूल, हुसैन इब्ने अली। लेकिन हमारी जाने निसार हो जाए उन परवानों पर कि जब शमा गुल हो गई तो तकरीरें शुरू हो गई। सबसे पहली तकरीर जुहैर कैद ने की,
अच्छा सूरतें दिखाई नहीं दे रही थी, अंधेरा था खेमे में, आवाज से पहचाने जा रहे थे, आवाज से पहचाने जा रहे थे। पहली तकरीर जोहर की हुई, या अब अब्दुल्ला अगर हमारा जिस्म कैंची से महीन महीन काटा जाए, सोचिए तसव्वुर, ईजा का तसव्वुर सोचिए किसी के जिस्म का काटा जाए और उसको जला दिया जाए और खाक हवा में उड़ा दी जाए और फिर बनाए जाएं और फिर काटे जाएं और फिर जलाए जाएं, और ऐसी तकलीफ देह मौत 70 दफा आए, 70 मरतबा इतनी तकलीफ देह मौत हमें दी जाए, और 71वीं मरतबा जब बने तो ये पूछा जाए अब बताओ किसका साथ दोगे, तो ये अब अब्दुल्ला फिर आपका साथ, ये एक मौत का है। ये जोहर की तकलीफ थी। उसके बाद दूसरी तकरीर हबीब की थी, हबीब से देरीना ताल्लुकात थे तो तकरीर में पुराने ताल्लुकात की खुशबू थी। क्या याब अब्दुल्ला अगर आज हम आपके साथ छोड़ के चले जाएं तो कल रसूलुल्लाह के सामने किस मुंह से जाएंगे, हम रसूल को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तीसरी तकरीर मुस्लिम ने सजा की थी, कहने लगे मौला ये तो चंद दिन की जिंदगी है, आज नहीं तो कल मर जाएंगे अपनी फितरी मौत से, अगर हमारे पास हमेशा जिंदा रहने की भी ताकत होती और ये तय होता कि हमें मौत नहीं आएगी तब भी कल हम आप पर जान दे देते, हमेशा की जिंदगी कुर्बान करते। चौथी तकरीर जौन की थी, गुलाम हबशी का, या अब्दुल्लाह अगर आपको छोड़ के चले जाए तो खुदा करे रास्ते में सहरा के दरिंदे हमें चीर फाड़ के खा जाएं, हम अपनी मंजिल तक जिंदा न पहुंचे अगर आपको छोड़ के चले। और इसके बाद सन्नाटा सा रहा एक चंद सेकंड और फिर जज्बात में डूबी हुई एक आवाज उभरी, ए हमारे सैयद व आका, ए हमारे सरदार, हम आपकी गोदियों के पाले हैं, क्या आप समझते हैं कि इस मुसीबत में हम आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, और मजमा अदब से बैठा तकरीर सुन रहा था इसलिए कि यह आवाज़ अलमदार लश्कर हुसैनी हजरत अब्बास की गूंज रही थी, जो बनी हाशिम की तरफ से अपनी आवाज़ पे लश्कर की नुमाइंदगी कर रहे थे। बस मैंने मजलिस को तमाम किया, मैं कहूँगा ये हुसैन के चाहने वालों, ऐ शब आशूर नुसरत के वादे करने वालों, असर आशूर को आओ, हुसैन पुकार रहे हैं आयना आयना हबीब, आयना आयना जुहैर, अरे हबीब कहाँ चले गए, जुहैर कहाँ चले गए, ए मुस्लिम कहाँ आराम कर रहे हो, दर्द में डूबी हुई आवाज दरिया को देख के बुलंद हुई, आयना आयना अखी अब्बास, अरे मेरे भैया अब्बास कहाँ चले गए, हुसैन पुकार।